हेलो गाइस, सही कहा इन्होंने, ये ऐसे ही हैं और इनके ऐसे होने की वजह से ही आज ये लोगों के दिलों को जीतने में कामयाब भी हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये जेन्युइन है। औरों की तरह बिग बॉस के स्टार्टिंग से अच्छे होने की एक्टिंग करने के बाद एंडिंग में अपनी हकीकत नहीं दिखाया इन्होंने। वैसे बिग बॉस 17th सीजन में और किसी को याद किया जाए या ना किया जाए, मगर अभिषेक को सब याद रखेंगे। क्यों? काम ही ऐसा किया था बंदे ने। ये भी था, मगर टीआरपी के लिए निकालने के बाद भी वापस बुलाया गया था और वो भी हीरो वाले एंट्री के साथ। और ऐसा सबके साथ तो नहीं होता और हर सीजन में नहीं होता। एक नॉर्मल फैन बेस वाला लड़का जो परफॉर्मेंस की वजह से दर्शकों के दिलों को जीता और बिग बॉस 17 के फिनाले में गया, और सामने उसके ऐसा बंदा जिसका फैन बेस और ये कहा जाए कि जिसकी जनता इतनी स्ट्रांग थी कि कोई मौका नहीं था अभिषेक को, वरना रियल विनर तो अभिषेक ही बनता। अंदर इसको ये डर था कि बाहर गर्लफ्रेंड मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मगर बाहर आने के बाद सबसे पहला काम, और वो भी मनारा के साथ म्यूजिक वीडियो में। इसे कहते हैं मेहनत और किस्मत। और काम तो ऐसा मिला कि अभी तक आराम करने का मौका ही नहीं मिला। रिश्ता बनाना और निभाना कोई अभिषेक और मुनव्वर से सीखे। जिस तरह फिनाले में ट्रॉफी शेयर किया था मुनव्वर ने और डोंगरी जाने के बाद अभिषेक अभिषेक का नारा लगवाया था जनता से, इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती। जैसे चिड़िया एक डाली से उड़ के दूसरे डाली पर बैठ जाती है, वैसे ही आयशा मुनव्वर को छोड़ के अभिषेक से क्लोज है। आप लोग क्या सोचते हो अभिषेक और आयशा के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी के साथ आप सभी ने शायद ही देखा होगा कि अभिषेक और समर्थ का पैचअप हो गया। ये देखो, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के टेक केयर।